हेलो एवरीवन, इन द लास्ट लेक्चर हम लोगों ने ये डिस्कस किया था कि बाइनरी सिस्टम में रिकर्सिव प्रोसेस का कैसे इंसर्शन करते हैं, मिनिमम और मैक्सिमम कैसे फाइंड करते हैं। आज के लेक्चर में हम लोग ये देखेंगे कि किस तरह से सक्सेसर फाइंड किया जाएगा और प्रेडिसेसर फाइंड किया जाएगा। तो किसी गिवन नोड का अगर हमें सक्सेसर फाइंड करना है या किसी गिवन नोड का प्रेडिसेसर फाइंड करना है तो ये बड़ा ही आसान सा प्रोसेस है। और इसको करने के लिए सबसे पहले हम लोग एक और कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं कि हमने अभी तक तीन फील्ड्स मानी थी हर एक नोड में। अब हम ये मान लेते हैं कि हमारे पास चार फील्ड्स हैं। तो अगर चार फील्ड्स हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि तीन तो हमारे डिफाइंड फील्ड्स हैं, लेट से लेफ्ट डेटा और राइट। लेफ्ट एड्रेस फील्ड है, डेटा इंटीजर डेटा फील्ड हमने लिया है, और राइट जो हमारा एड्रेस फील्ड। तो इसके अलावा हम एक फादर फील्ड ले लेते हैं, और फादर फील्ड को मान लेते हैं कि हम सेट करेंगे और ये एड्रेस फील्ड होगा। तो जैसे 100 नोड है, ये रूट नोड है, इसका फादर नल है, लेकिन जो 90 है उसका फादर हमारा 100 होगा। सिमिलरली जो 80 है हमारा उसका फादर 90 होगा, 95 का फादर 90 होगा, 92 का फादर 95 होगा। तो आई होप फादर का कॉन्सेप्ट आप समझ गए हैं। इसको हम इस रिकर्सिव इंसर्शन वाले प्रोसेस में पहले हम करेक्ट करेंगे कि किस तरह से हम फादर फील्ड को इंट्रोड्यूस करें। तो इसको करने के लिए हम क्या करते हैं कि जो हमने अभी तक प्रोसेस बनाया है रिकर्सिव इंसर्शन का, उसको उसका एक रिकैप लेते हैं। यहाँ हमने कहा है कि अगर टी नल है तो हम नया नोड बना लेंगे और उसी को टी मान लेंगे, और अगर जिस नए डेटा को इंसर्ट करना है वो छोटा है करंट के डेटा से तो हम लेफ्ट की तरफ इंसर्ट करेंगे। BST इंसर्ट फंक्शन को हम रिकर्सिवली कॉल कर लेंगे और जो भी ये रिटर्न करेगा उसको लेफ्ट में सेट कर लेंगे। सिमिलरली जो अगर एक्स का डेटा बड़ा है टी के डेटा से या करंट नोड के डेटा से तो हम रिकर्सिव फंक्शन को कॉल करेंगे राइट के डेटा के साथ में, और ये जो रिटर्न करेगा उसको राइट में सेट कर लेंगे करंट नोड के। फाइनली हम टी को रिटर्न कर देंगे जो कि हमारा नया नोड क्रिएट हुआ है, या फिर हमने अगर किसी फंक्शन को टी के थ्रू कॉल किया था तो भी हम टी को रिटर्न कर देंगे। तो यहाँ पे हमें अगर फादर फील्ड सेट करना है तो आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल के साथ समझना होगा। लेट से मुझे 86 को इंसर्ट करना है, तो 86 को अगर इंसर्ट करना है तो मेरा टी यहाँ पे होगा, इसके थ्रू मैंने कॉल किया तो ये नल नहीं है, और एक्स जो 86 है वो इससे बड़ा है तो मैं क्या करूंगा कि राइट की तरफ चलूंगा, लेफ्ट की तरफ सॉरी, इससे छोटा है तो मैं लेफ्ट की तरफ चलूंगा और लेफ्ट की तरफ आया, और मैं 86 इससे भी छोटा है तो मैं अगेन लेफ्ट की तरफ आ गया रिकर्सिव कॉल के थ्रू। 86 इससे बड़ा है तो मैं राइट के थ्रू या 86 80 नोड के राइट की तरफ जाऊंगा, इसका मतलब नल हो गया। जैसे मैं नल के साथ कॉल करूंगा तो मेरा एक नोड बन जाए रिकर्सिव कॉल के थ्रू मेरा एक नया नोड बन जाएगा 86 डेटा के साथ, और इसी को मैं टी मान लूंगा और इसको रिटर्न कर दूंगा, इसको मैं इसके राइट में सेट करूंगा। तो जब मैं इसके राइट में इसको सेट करने जा रहा हूँ जब मैं इसके राइट में इसको सेट करने जा रहा हूँ तो मुझे ये इंश्योर करना होगा कि ये जो टी रिटर्न हुआ है, ये जो टी रिटर्न हुआ है इसका फादर ये वाला नोड बने। ठीक है, आई होप आप इसको समझ रहे होंगे कि जब 86 हम बना रहे हैं तो ये वाला हमारा जो नोड है, ये वाला जो टी नोड है ये इसका फादर बनना चाहिए। तो ये इसका फादर कैसे बनेगा, मान लेते हैं कि ये टी की जगह टी डैश रिटर्न कर रहा है, और टी डैश जो रिटर्न हमारा हो रहा है उसको हम टी डैश के फादर को इसका टी डैश के फादर को टी के इक्वल करेंगे, इक्वेट करेंगे। तो इसको हम यहाँ पे सेट करने की कोशिश करते हैं। टू स्टेप प्रोसेस हम इसको बना लेंगे। अब पहला तो ये कि इसने जो रिटर्न किया उसको हम टी डैश मान लेते हैं, और टी डैश के फादर को सेट कर लेते हैं टी पे। और एक काम और करते हैं कि टी का जो लेफ्ट है वो टी डैश पे सेट कर लेते हैं। दो चीज हमने की, एक तो जो हम डायरेक्टली लेफ्ट सेट कर रहे थे उसको हटा दिया हमने, जो BST इंसर्ट फंक्शन है मान लिया कि उसने टी डैश रिटर्न किया, तो उसने जो टी डैश रिटर्न किया उस टी डैश का फादर बन जाएगा ये करंट नोड टी, और टी के लेफ्ट में हम टी डैश को सेट कर देंगे। सिमिलरली हम राइट के साथ भी ऐसा ही करेंगे, तो हम ये राइट वाले पार्ट में ये हटा देते हैं। मान लेते हैं कि यहाँ पे एक टी डैश रिटर्न हुआ है, ये जो नोड टी डैश है उसका फादर हमारा बन जाएगा टी नोड, और ये जो टी है उसके राइट में हम सेट कर देंगे इस टी डैश नोड को। तो ये तो हमने चेंज कर लिया फादर फील्ड के साथ, तो दो लाइन का अपडेशन यहाँ पे होगा और दो लाइन का अपडेशन यहाँ पे होगा। कोडिंग वाले एनवायरनमेंट में चलते हैं और इन दोनों चीजों को यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर लेते हैं, और ये भी इंश्योर करेंगे कि जो मेक नोड हमारा है वो वहां पे भी फादर नोड की सेटिंग हो और वहां पे फादर को नल इनिशियलाइज कर दिया जाए। जबकि जब हमारा रूट नोड बनेगा तो रूट नोड के केस में
हमारा फादर नल होना चाहिए, इसीलिए हम फादर नोड को बाय डिफॉल्ट नल सेट कर लेंगे, मेक नो फंक्शन। तो कोडिंग एनवायरनमेंट में चलते हैं और इस काम को कंप्लीट करते हैं। तो यहाँ पे हमें एक फादर फील्ड को इंट्रोड्यूस करना है स्ट्रक्चर। इसके बाद मेक नो फंक्शन में फादर फील्ड को नल सेट करना। इसके बाद जो BST इंसर्ट फंक्शन था, उस BST इंसर्ट फंक्शन में थोड़े थोड़े से चेंजेस करने हैं। यहाँ पे डिक्लेयर कर देते हैं कि हमारे पास स्ट्रक्ट नोड स्टार सम भी मान लेते हैं, और जो ये फंक्शन रिटर्न करता है उसको हम P में एक्सेप्ट करा देते हैं। तो हमने 3 स्टेप में इस काम को किया। पहला काम ये किया कि पी में एंट्री करा लिया या पी में एक्सेप्ट कर लिया उस नोड का जो कि BST इंसर्ट रिकर्सिव फंक्शन रिटर्न कर रहा है। उसके बाद हमने क्या किया कि ये जो पी है वो पी की जगह बल्कि आप सी मान लीजिए, क्योंकि ये चाइल्ड नोड होगा, उसे समझना थोड़ा सा आसान हो जाएगा। तो सी इज इक्वल टू BST इंसर्ट रिकर्सिव हो गया, और इसको हम क्या करते हैं कि टी के लेफ्ट में सेट कर देते हैं चाइल्ड नोड को, और इस चाइल्ड नोड के फादर फील्ड में टी को सेट कर देते हैं। तो सिमिलर सा काम हमारा राइट वाले के साथ में भी होगा, बस चेंज हो जाएगा राइट का लेफ्ट और लेफ्ट का राइट। तो राइट वाले के लिए हमने क्या किया इसको राइट के साथ कॉल कर दिया, और यहाँ पे टी डॉट राइट इज इक्वल टू सी सेट कर दिया, और सी डॉट टी फादर इक्वल टू टी सेट कर दिया। इतना तो हमने छोटा सा चेंज कर लिया, देन फाइनली हम टी को रिटर्न कर दिया। अब हम क्या करते हैं, वापस आते हैं और ये देखते हैं कि फादर फील्ड का क्या रोल होगा हमारे सक्सेसर को फाइंड करने के लिए। तो अगर हमें सक्सेसर को फाइंड करना है तो जैसा हम ये जो ये नोटेशन है इसमें हम हटा लेते हैं, और अपनी तरफ से कुछ नोट्स इसमें और इंसर्ट में करता हूँ जिससे कि आप शायद समझ पाएंगे आसानी से। तो मैंने कुछ नोट इसमें इंसर्ट किया, लेट से मैं इधर 70 इंसर्ट कर रहा हूँ, इधर मैं 97 इंसर्ट कर रहा हूँ, और इस तरफ मैं 127 इंसर्ट कर रहा हूं। मान लीजिए कि मुझे नोड नंबर 90 का सक्सेसर फाइंड करना है, तो सक्सेसर का मतलब ये होता है कि वो इन ऑर्डर सक्सेसर है। इन ऑर्डर में अपियर होने वाला इमीडिएट नेक्स्ट नोड कौन सा होगा 90 के बाद? तो 90 के बाद ऑब्वियसली 92 होगा। ये जो 92 है वो राइट हैंड या राइट सबट्री का मिनिमम डेटा वैल्यू है। तो अगर मुझे 90 का सक्सेसर फाइंड करना है, सो 90 का सक्सेसर विल बी इक्वल्स टू राइट का मिनिमम। तो हमने यहाँ से एक पार्ट फाइंड कर लिया अपने एल्गोरिथम का, द वन पार्ट द फर्स्ट पार्ट इज कि ये 90 का मिनिमम होगा, तो यह राइट का मिनिमम होगा। लेकिन ये तब है जबकि मेरा राइट एग्जिस्ट करता हो। अगर मेरा राइट एग्जिस्ट ही नहीं करता होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि मैं राइट तो इंसर्ट कर ही नहीं पाऊंगा। सॉरी, अगर राइट एग्जिस्ट नहीं करता होगा तो राइट में तो इसका सक्सेसर नहीं होगा। चलिए मान लेते हैं कि राइट एग्जिस्ट करता है, तो हमारा जो एल्गोरिथम है वो है BST सक्सेसर, और BST सक्सेसर में रूट नोड गिवन है और साथ ही साथ एक पी गिवन है जो मुझे ये बता रहा है कि इस पी का मुझे सक्सेसर फाइंड करना है। हालांकि अगर आप पी नहीं भी लेंगे तो भी काम चल जाएगा, देखते हैं इसकी रिक्वायरमेंट होगी तो रखेंगे, नहीं होगी तो नहीं रखेंगे। तो हमें ये जो पी नोड है इसका हमें सक्सेसर फाइंड करना है। तो मान लेते हैं कि सक्सेसर को हम क्यू में स्टोर करते हैं। क्यू विल बी इक्वल्स टू BST मिनिमम, हमने ऑलरेडी एक फंक्शन बनाया हुआ है मिनिमम का, पी डॉट राइट, राइट का मिनिमम हम फाइंड कर लेते हैं,
और इसी क्यू को हम रिटर्न करते हैं, यही हमारा सक्सेसर होगा। लेकिन ये तब पॉसिबल है जबकि पी का राइट एग्जिस्ट करता हो, तो इसका मतलब पी डॉट राइट इज नॉट इक्वल टू नल, तभी हम इस प्रोसेस को चला पाएंगे। लेकिन अगर पी डॉट राइट नल है तो क्या करें, आइए इसको समझते हैं। मान लीजिए कि मुझे नोड 127 का सक्सेसर फाइंड करना है, तो 127 के राइट में कुछ भी डेटा एलिमेंट नहीं है, तो अगर इसके राइट में कोई भी डेटा एलिमेंट नहीं है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, पेरेंट की तरफ देखना पड़ेगा। अगर 127 अपने पेरेंट, जो कि ये है इसका पेरेंट, इसके पेरेंट का अगर ये लेफ्ट चाइल्ड है तो निश्चित रूप से पेरेंट ही इसका सक्सेसर होगा, क्योंकि पेरेंट की इंफॉर्मेशन ज्यादा होगी और इस चाइल्ड की इंफॉर्मेशन कम होगी। आई होप आप इसको समझ रहे होंगे, मैं फिर से इसको एक्सप्लेन करता हूँ कि अगर 127 का हम सक्सेसर फाइंड कर रहे हैं और 127 अपने पेरेंट का लेफ्ट चाइल्ड है तो निश्चित रूप से पेरेंट ही इसका सक्सेसर होगा, क्योंकि पेरेंट के पास इंफॉर्मेशन चाइल्ड से ज्यादा होगी। अब मान लीजिए कि आप सक्सेसर फाइंड कर रहे हैं इस 97 नोड का, और 97 नोड लेट से पी है जिसका आप सक्सेसर फाइंड करने जा रहे हैं। 97 का कोई राइट चाइल्ड नहीं है, क्योंकि 97 का कोई राइट चाइल्ड नहीं है तो हमें प्रोसेस के थ्रू इसका फाइंड करना पड़ेगा, किसी और प्रोसेस के थ्रू फाइंड करना पड़ेगा इसका सक्सेसर। मैंने जब इसके पेरेंट की तरफ देखा, मान लीजिए कि इसका पेरेंट क्यू है, जब मैंने इसके पेरेंट की तरफ देखा तो ये 97 अपने पेरेंट का राइट चाइल्ड, राइट चाइल्ड होने का ये मतलब है कि इसके पेरेंट के पास इंफॉर्मेशन इससे कम होगी, तो पेरेंट तो नहीं हो सकता इसका सक्सेसर। तो मैं काम करता हूँ कि एक लेवल अप चला जाता हूँ, इसको पी मान लेता हूँ और इसके फादर को क्यू मान लेता हूँ। और अब देखते हैं कि क्या पी अपने फादर का राइट चाइल्ड है। यस, पी अपने फादर का राइट चाइल्ड है, 95 90 का राइट चाइल्ड, तो 90 तो नहीं हो सकता इसका सक्सेसर। तो मैं एक लेवल और अप चला जाता हूँ, मतलब मैं यहाँ लाता हूँ पी को और क्यू को एक लेवल और अप कर देता हूँ। इस केस में पी अपने पेरेंट का लेफ्ट चाइल्ड है, राइट चाइल्ड नहीं है। राइट चाइल्ड होता तो पेरेंट की इन्फॉर्मेशन कम होती, लेकिन ये पी अपने पेरेंट का लेफ्ट चाइल्ड है, इसका मतलब पेरेंट की इन्फॉर्मेशन इससे ज्यादा है। क्योंकि पेरेंट की इन्फॉर्मेशन इससे ज्यादा है तो पेरेंट ही इसका सक्सेसर होगा, इसका मतलब 97 का जो सक्सेसर होगा वो होगा 100। अब इसको हम लॉजिकली भी समझते हैं, ये जो 97 है वो 100 के रेस्पेक्ट में लेफ्ट सबट्री है, और जब हम इसकी तरफ ऊपर की तरफ मूव करने लगे और पेरेंट के पास पहुंचे तो इस पूरे सबट्री में जो इन्फॉर्मेशन है, जो मैंने मार्क किया है, उस पूरे सबट्री में जो इन्फॉर्मेशन है वो 100 से कम है, तो निश्चित रूप से 100 ही इसका सक्सेसर होगा, क्योंकि 100 के राइट में जो डेटा वैल्यूज है वो 100 से ज्यादा है। तो 100 से ज्यादा वाला मैं नहीं फाइंड करना, हमें इमीडिएट लार्जर इन्फॉर्मेशन फाइंड करना, तो 97 से लार्जर, इमीडिएट लार्जर इन्फॉर्मेशन 100 है और यही इसका सक्सेसर है। एक छोटा सा एग्जाम्पल और लेते हैं। लेट्स से मुझे सक्सेसर फाइंड करना है नोड 70 का, तो अगर मुझे 70 का सक्सेसर फाइंड करना है तो मैंने इसके पेरेंट को देखा और इसका जो पेरेंट है, इस पेरेंट का लेफ्ट चाइल्ड है, क्योंकि ये पेरेंट का लेफ्ट चाइल्ड है तो निश्चित रूप से पी का पेरेंट जो है उसके पास इंफॉर्मेशन इससे ज्यादा होगी, तो यही इसका सक्सेसर होगा। एक और एग्जाम्पल देखते, मान लेते 132 का मुझे सक्सेसर फाइंड करना है, तो अगर 132 का सक्सेसर फाइंड करना है तो मैंने क्या किया कि मैंने इसके पेरेंट को रेफर किया, पेरेंट का ये राइट चाइल्ड है तो राइट चाइल्ड है तो इससे पेरेंट पास कम इन्फॉर्मेशन होगी, मैं एक लेवल अप चला। अब ये जो पी है अगेन अपने पेरेंट का राइट चाइल्ड, तो इसका मतलब कि ये सक्सेसर नहीं हो सकता पेरेंट, एक लेवल और अप चला, इसको पी मान लिया और रूट नोड को क्यू मान लिया, तो ये अगेन अपने पेरेंट का राइट चाइल्ड है तो ये भी इसका सक्सेसर नहीं हो सकता। एक लेवल और मैं अप चलता हूँ और पी मान लेता हूँ रूट नोड को, और जैसे मैं क्यू इक्वल्स टू क्यू डॉट फादर करूंगा, क्यू मेरा हो जाएगा नल। क्यू के नल होने का ये मतलब है कि इस नोड का, या जो 132 वाला नोड था, उसका कोई सक्सेसर नहीं हो सकता। इसका इसका आप अगर ट्री ट्री को देख के भी आप बताएं कि 132 इज द लार्जेस्ट इन्फॉर्मेशन, तो इसका तो कोई सक्सेसर हो ही नहीं सकता, तो हम नल रिटर्न कर देंगे ऐसे केस में। तो इस सक्सेसर को हम कंप्लीट करते हैं, अगर राइट एग्जिस्ट करता तो हम ये करते, लेकिन इस केस में राइट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो हम क्या करते हैं कि क्यू इक्वल्स टू पी डॉट फादर मान लेते हैं, और उसके बाद हम क्या करते हैं, जब तक ये जो पी नोड है वो अपने फादर का
लेफ्ट चाइल्ड है, सॉरी राइट चाइल्ड, सॉरी स्टेप बाय स्टेप लिखते हैं। मान लीजिए कि हम पहली बार इसको कर रहे हैं, तो हम एक कंडीशनल स्टेटमेंट ले लेते हैं और उस कंडीशनल स्टेटमेंट के कॉरेस्पॉन्डिंग में उसको लिखते हैं। तो अगर हमारा ये जो गिवन नोड है क्यू है, ये गिवन नोड पी है, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम ये वाला केस ले, ये पी है और ये क्यू है, तो पी अपने फादर का राइट चाइल्ड अगर है, इसका मतलब है कि पी डॉट सॉरी क्यू डॉट राइट इज इक्वल्स टू पी है, तो इसका मतलब ये है कि ये इसका पेरेंट नहीं हो सकता, तो मुझे ऊपर की तरफ जाना है। तो जहां पे क्यू है वहां पे पी को लेके आते हैं और क्यू को फिर से क्यू डॉट फादर पे सेट कर देते हैं और अगेन इसी कंडीशन को चेक करेंगे। तो क्योंकि हम अगेन इसी कंडीशन को चेक करने वाले हैं, तो इसको हम इफ की जगह लगा देते हैं यहाँ पे व्हाइल। अब हम ये वाला केस लेते हैं। इस वाले केस में क्या हुआ कि हम अब चलते रहे चलते रहे चलते रहे, और अब चलते चलते ये पता चला कि क्यू हमारा नल हो गया। तो अगर क्यू नल हो गया तो हमें प्रोसेस को स्टॉप कर देना है। तो इसमें एक एडिशनल कंडीशन लगा देते हैं कि व्हाइल क्यू इज नॉट इक्वल टू नल एंड क्यू डॉट राइट इज इक्वल टू पी, तो हम ऊपर चलते चलेंगे। दोनों में से कोई भी कंडीशन वायलेट होगी, मतलब कि क्यू नल हो जाए तो भी कंडीशन ये लूप टर्मिनेट हो जाएगा, और अगर क्यू डॉट लेफ्ट इक्वल्स टू पी हो जाए तो भी इसमें टर्मिनेट हो जाएगा। तो दोनों केस में हम क्या करेंगे, लास्ट में रिटर्न कर देंगे क्यू को, क्यू नल हुआ तो भी क्यू नल है तो नल रिटर्न हो जाएगा, क्यू अगर एक वैलिड नोड है तो वैलिड नोड। तो इस तरह से हम फाइंड कर सकते हैं किसी भी नोड का सक्सेसर। याद रखिए कि पी जो हमें गिवन है, ये जो पी है वो एड्रेस है गिवन नोड का, ठीक है? तो हम यहाँ से एड्रेस ही रिटर्न कर रहे हैं सक्सेसर का। फाइनली आप सक्सेसर का डेटा प्रिंट कर लीजिएगा मेन में या कॉलिंग फंक्शन, लेकिन फिलहाल के लिए जो पी है या जो क्यू है जो हम रिटर्न यहाँ से कर रहे हैं वो हमारे पॉइंटर्स हैं। तो हमने देखा कि टी की जरूरत नहीं पड़ी, तो हम टी को नहीं लेंगे इम्प्लीमेंटेशन। तो कोड पे आते हैं, तो ये हमारा कोड था और इसमें हम एक नया फंक्शन बना लेते हैं सक्सेसर का। ये जो हमारा फंक्शन है वो रिटर्न करेगा पॉइंटर, एड्रेस रिटर्न करेगा, तो BST सक्सेसर, और इसमें हमें एक नोड का एड्रेस गिवन होगा, फिर स्ट्रक्ट नोड स्टार्ट पी। अब हमने कन्वेंशन में पी क्यू लिया था, हमने पी क्यू ही ले लेते हैं यहाँ पे भी। तो सबसे पहले चेक कर लेते हैं ये जो गिवन नोड है क्या इसका राइट नल है कि नहीं नल है। अगर राइट नल नहीं है तो हम क्या करते हैं कि रिटर्न करा देते हैं BST मैक्सिमम और पी डॉट राइट, सिंपल है। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो हम क्या करते हैं कि ये क्यू नोड ले लेते हैं, एंड क्यू इज इक्वल्स टू पी डॉट फादर, और लूप चलाते हैं जब तक क्यू हमारा नल ना हो जाए एंड पी इज इक्वल्स टू क्यू डॉट राइट। अगर राइट है तो हम फिर से ऊपर की तरफ चलते चले जाएंगे। तो यहाँ हम कर रहे हैं जहां पे क्यू है वहां पी को सेट कर लेते हैं और क्यू इज इक्वल्स टू क्यू डॉट फादर सेट कर लेते हैं। एंड देन इसके बाद जब ये फिनिश होगा तो रिटर्न करा देंगे क्यू को, और वही हमारा सक्सेसर होगा। तो क्यू को हमने यहाँ पे यूज किया है, तो क्यू को हमें डिक्लेयर भी करना पड़ेगा, क्योंकि ये C++ में हम कर रहे हैं, कहीं पे भी डिक्लेयर कर सकते हैं। अगर हम सी में कर रहे होंगे तो उसको ऊपर टॉप पे डिक्लेयर कर देंगे। तो ये मेरा BST सक्सेसर हो गया। अब हमारे पास समस्या है कि हमें पी का एड्रेस चाहिए, तो पी का एड्रेस कैसे मिलेगा? तो एक सर्च फंक्शन बना लेते हैं, बड़े आसान सा सर्च फंक्शन होगा। और एक चीज और है कि चूंकि हम मिनिमम मैक्सिमम को हम कॉल कर रहे हैं सक्सेसर से, तो इनकी डेफिनेशन पहले से अवेलेबल होनी चाहिए। तो इसी पर्पस से हम इसको BST सक्सेसर के पहले डिफाइन कर देते हैं। तो हम सर्च फंक्शन हमें जरूरत पड़ेगा, तो लेट्स से हमने एक छोटा सा सर्च फंक्शन बना लेते हैं। ये हमने सर्च फंक्शन बना लिया, तो बड़ा ही आसान सा सर्च फंक्शन है कि अगर किसी डेटा वैल्यू को हमें सर्च करना है और वो डेटा वैल्यू के साथ मैच कर गया, तो ये जो करंट जो नोड है उसका जो डेटा वैल्यू एक्स के साथ मैच कर गया तो हम टी को रिटर्न कर देते हैं उस नोड का एड्रेस। अदरवाइज यार अगर छोटा है तो लेफ्ट में सर्च करेंगे,
या फिर हम राइट की तरफ सर्च करेंगे। तो एक छोटा सा फंक्शन है, आइटरेटिव फंक्शन, जब तक टी नल ना हो जाए तब तक हम इस प्रोसेस को करते रहेंगे। तो हम बाइनरी सर्च कर रहे हैं यहाँ पे, बाइनरी सर्च आपने एरे से पढ़ा होगा, हम यहाँ पे बाइनरी सर्च ट्री क्यों कर रहे हैं। बड़ा ही सिंपल है कि अगर किसी बाइनरी सर्च ट्री में किसी नोड को सर्च करना है तो रूट नोड जब तक नल ना हो जाए, मतलब यह जो करंट नोड है वो नल ना हो जाए, तब तक हम प्रोसेस को करेंगे। अगर गिवन नोड की इन्फॉर्मेशन एक्स के इक्वल है, की के इक्वल है, तो उस नोड का एड्रेस रिटर्न कर देंगे। अदरवाइज या तो लेफ्ट में सर्च करेंगे अगर डेटा वैल्यू छोटा होगा, या फिर हम राइट में सर्च करेंगे अगर डेटा वैल्यू बड़ा होगा। तो अगर हम वैलिड नोड पे हैं तो इसी प्रोसेस को रिपीट करेंगे, लेकिन अगर टी नल हो जाएगा तो इसका मतलब है कि जिस नोड को हम सर्च करें तो हमें मिला ही नहीं, तो हम फाइनली नल को रिटर्न करते हैं। सो ये हमारा बाइनरी सर्च हो गया। तो अकॉर्डिंगली हम किसी भी नोड को सर्च करके ये पता कर लेंगे। तो हम एक काम करते हैं कि राधा देन, चलिए ठीक है कोई बात नहीं, ये हम इसे कुछ कोई एक ट्री बना लेंगे और उसके बाद फिर हम सक्सेसर्स फाइंड कर लेंगे। सक्सेसर को फाइंड करने के लिए हमें एक प्रोसेस की जरूरत पड़ेगी, सर्च प्रोसेस की। तो BST सर्च प्रोसेस को हम कॉल करके जो यूजर डेटा इनपुट करेगा उसको सर्च कर लेंगे। तो लेट्स से एक्स इक्वल्स टू, या हम यूजर को बताते हैं कि वो बताए कि, या यूजर को हम कहते हैं कि जिस नोड का हमें सक्सेसर फाइंड करना है वो हमें बता दे। तो लेट्स से हमने यहाँ पे कहा एंटर दी डेटा फॉर विच सक्सेसर हैज टू बी फाउंड। जो भी इस यूजर कहेगा उसको मैक्स में इनपुट करा लेते हैं और टी के थ्रू सर्च फंक्शन को लगा के हम इसको सर्च कर लेते हैं, इस नोड को इसका एड्रेस फाइंड कर लेते हैं। तो लेट्स से ये जो एड्रेस है वो एम में आ गया, और अब हम क्या करते हैं BST सक्सेसर फंक्शन को कॉल कर लेते हैं विद एम। ये जो भी रिटर्न करेगा मान लीजिए उसको भी हम एम में, एम एक टेम्पररी वेरिएबल हमने ले लिया, उसमें एक्सेप्ट करा लेते हैं और हम ये कह देते हैं कि द सक्सेसर इज क्या सक्सेसर होगा एम डॉट डेटा। तो इस तरह से हम लोग एम डॉट डेटा को प्रिंट करा देंगे। कहीं हमने कुछ गलती तो नहीं की, आई होप कि नहीं। हमने क्या किया कि डेटा सर्च करा लिया, इनपुट करा के उसको सर्च कर लिया, और उसके बाद फिर सक्सेसर फंक्शन में उसको पास कर दिया, और सक्सेसर फंक्शन जो भी रिटर्न करेगा उसको भी एम में एक्सेप्ट करा लिया, एंड देन फाइनली हमने सक्सेसर को प्रिंट कर दिया। न्यू लाइन ले लेते हैं जिससे कि विजिबिलिटी थोड़ी सी बेटर हो। बड़ी छोटी सी मिस्टेक है कि हमारे पास टी नहीं है यहाँ पे, बल्कि हमारे पास रूट है। BST सक्सेसर में हमें रूट पास करने की जरूरत नहीं है, ये हमारी एरर है। ये मेरा ट्री था जो हमने व्हाइट बोर्ड पे लिया था, इसी के अकॉर्डिंग हम सक्सेसर्स फाइंड कर लेंगे, तो हम वेरीफाई भी कर पाएंगे कि हमने सही किया है या नहीं। टोटल नंबर ऑफ नोड्स इसमें कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, बहुत सारे नोड हो गए। कोई बात नहीं, हम 12 नोड्स की एंट्री कराते हैं, और डेटा जो हमें इंसर्ट करना है वो है 100 90 80 70 95 97 92 125 110 130 130 132। तो सबसे पहले तो हम ये चेक कर लेते हैं कि हमारा ये ट्री सही बना है कि नहीं बना। बिल्कुल परफेक्टली ऑल राइट हमारा ट्री है, इसमें मिनिमम इन्फॉर्मेशन 70 है और मैक्सिमम 132, बिल्कुल सही है। अब इसके बाद हम क्या करते हैं कि इसमें पूछा जा रहा है कि कौन सा हमने एंडल नहीं लगाया इसलिए ऐसा आ रहा है, एंटर द डेटा फॉर विच दी सक्सेसर हैज टू बी फाउंड। तो हम रैंडमली इसमें से कोई भी चूज कर लेते हैं जिसका हमें सक्सेसर फाइंड करना है। तो हम
एक काम करते हैं कि 97 का सक्सेसर हम फाइंड करते हैं। तो 97 का सक्सेसर 100 है, हमने ऑलरेडी फाइंड किया था एग्जाम्पल के समय। तो आई होप आप ये समझ पा रहे हैं कि बहुत ही सही से चल रहा है। आप अदर टेस्ट केसेस से भी इसको चेक कर पाएंगे। एक छोटा सा करेक्शन और हम कोड में कर सकते हैं। और वो करेक्शन ये है कि हमने सक्सेसर का डेटा प्रिंट कर दिया। मान लीजिए कि किसी नोड का सक्सेसर एग्जिस्ट नहीं करता, तो उस केस में तो सक्सेसर हमें बताना पड़ेगा कि इसका सक्सेसर एग्जिस्ट नहीं करता। तो अगर एम नल नहीं है, या जो सक्सेसर फंक्शन ने रिटर्न किया वो एम नल नहीं रिटर्न किया, तो उस केस में तो हम सक्सेसर को प्रिंट कर देंगे। लेकिन अगर ऐसा नहीं होगा तो हम क्या करेंगे कि ये बता देंगे कि इस नोड का सक्सेसर एग्जिस्ट नहीं करता। तो सक्सेसर ऑफ किस नोड की हम बात कर रहे थे, एक्स की बात कर रहे थे, डज नॉट एग्जिस्ट, जस्ट एक छोटा सा मैसेज हम प्रिंट कर देंगे। तो जैसे हमने सक्सेसर फाइंड किया, उसी तरह से हम प्रेडिसेसर भी फाइंड कर सकते हैं। प्रेडिसेसर का मतलब ये है कि इमीडिएट प्रीवियस इंफॉर्मेशन। तो ये बड़ा ही आसान है वैसे, मैं इसको बहुत ज्यादा तरीके से नहीं एक्सप्लेन करूंगा, बस मैं ये आपको बता रहा हूँ कि आप क्या चेंज कर लें कि बीएसटी सक्सेसर में, जिससे कि ये प्रेडिसेसर बन जाए। तो हम एक काम करते हैं कि ये जो हमारा सक्सेसर का फंक्शन था, इसको हमने कॉपी करके पेस्ट कर लिया। और यहाँ पर हम क्या करते हैं कि प्रेडिसेसर फाइंड कर रहे हैं, इसलिए हमें लेफ्ट की तरफ देखना पड़ेगा। और प्रेडिसेसर को फाइंड करने के लिए हमें मिनिमम फाइंड करना पड़ेगा, या मैक्सिमम फाइंड करना पड़ेगा लेफ्ट का। छोटा सा जो करेक्शन है आप इसमें भी कर लीजिएगा, मेरे से गलती हो गई है कि मुझे बीएसटी सक्सेसर फाइंड करते समय राइट का मिनिमम फाइंड करना था। तो बीएसटी प्रेडिसेसर में हमने क्या किया, लेफ्ट का मैक्सिमम फाइंड किया, वही प्रेडिसेसर। इसको समझने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास ये 100 है, ये 70 है, ये 90 है, और ये, सॉरी ये 90 नहीं हो सकता, लेट से ये 40 है, और ये 80 है। एक इसके राइट में 85 भी बनाते हैं, इसके राइट में भी वैल्यूज है, हम अभी इसके लिए इग्नोर कर देते हैं। तो अगर मुझे 100 का प्रेडिसेसर फाइंड करना है, सो दैट विल बी इक्वल्स टू, ये लेफ्ट है इसका, इस लेफ्ट का मैक्सिमम, तो मतलब 85। तो इसीलिए हमने यहाँ पे ये लिखा कि जिस नोड का मुझे प्रेडिसेसर फाइंड करना, दैट विल बी द मैक्सिमम ऑफ लेफ्ट। सो अब हम इसको कंप्लीट करते हैं, और जहां जहां हमने लेफ्ट लिया है उसको हम राइट में कन्वर्ट कर देते हैं। तो प्रेडिसेसर के लिए राइट को हम लेफ्ट में कन्वर्ट कर लेते हैं, एंड माय रेस्ट ऑफ द वर्क विल बी डन। सो दिस इज डन फॉर द प्रेडिसेसर। आई होप आप इसको समझ गए होंगे कि ऐसा हम क्यों कर रहे हैं। टेस्ट करना चाहें तो आप टेस्ट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम ये कहते हैं कि एक नोड को सर्च कर लेते हैं जिसका हमें प्रेडिसेसर को फाइंड करना है। सर्च करके उस नोड का एड्रेस निकालते हैं और प्रेडिसेसर फंक्शन में इसको पास कर देते हैं। फाइन, तो ये हमारा प्रोग्राम बन गया। इसको टेस्ट कर लेते हैं एक बार फिर से। छोटा सा ट्री बनाते हैं, तो अगर ये मेरा ट्री है तो इसमें इसके कोरस्पॉन्डिंग हम एंट्री करा देते हैं यहाँ पे। और अगर
कितने डेटा हैं यहाँ पे डेटा है हमारे पास 3, 3, 6, 7, और डेटा टू बी इंसर्टेड इज 100, 50, 40, 80, 190, 120, 110। उसे पूछा जा रहा है कि किस नोड का मुझे प्रेडिसेसर फाइंड करना है, तो लेट से मुझे प्रेडिसेसर फाइंड करना है 100 का, तो 100 का प्रेडिसेसर 80 होगा, आप देख सकते हैं लेफ्ट का मैक्सिमम। तो वी हैव टेस्टेड द प्रेडिसेसर एंड सक्सेसर बोथ। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट लेक्चर में जब हम लोग मिलेंगे तो हम लोग डिलीशन प्रोसेस देखेंगे बाइनरी सर्च ट्री का।